नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरी YouTube चैनल एंड Facebook पेज पे मिक्स पंच विद सुपर्णा। सो मैं थोड़ा ये ठीक कर, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, एक बार लाइट का प्रॉब्लम होता है, एक बैकग्राउंड का प्रॉब्लम होता है, मेरा तो जिंदगी ही खराब हो रहा है। तो चलो बात करते हैं बिग बॉस 18 के बारे में। तो कल मैं लाइव भी आई थी और बहुत लेट हो गया था, आई नो, तो इसलिए बहुत लोग ज्वाइन भी नहीं कर पाए थे और कुछ लोग ऐसे ज्वाइन किए थे, मतलब क्या ही बोलूं। सो शायद मैं इस चैनल से और अभी कभी शायद आई डोंट नो, मेरा मूड का बात है, लाइव पे नहीं आऊंगी यूट्यूब चैनल से। तो मेरे यूट्यूब चैनल का मैंने ब्लॉग चैनल ओपन कर दिया है, जो कि नाम है यहाँ पर लॉस्ट बॉम्ब गर्ल सुपर्णा से मेरा यूट्यूब चैनल, मतलब ब्लॉग चैनल है। तो वहां पर जाओ, सब्सक्राइब करो, वहां से लाइव आऊंगे और वहां से बहुत सारा बात करूंगी। तो अभी इस चैनल से बात करेंगे सिर्फ आपके फेवरेट रियलिटी शो के बारे में, न्यूज शेयर करेंगे, बात करेंगे और काफी ज्यादा गॉसिप करेंगे। तो चलो बात करते हैं चाहत पांडे के लिए। देखिये, चाहत पांडे के लिए अभी जो है लोग भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या हो गया, जो लोग चाहत पांडे को प्रेस कर रहे थे, वही लोग इस टाइम पे, इस वक्त पे चाहत पांडे के गेम्स पे बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है, चलिए बात करते हैं। बहुत सारे न्यूज गॉसिप लेकर मैं सुपर्णा आ चुकी आप लोगों के पास। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रस्ट मी, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, फ्री है। के घर पे एक वर्ड जो है बहुत ज्यादा गूंज रहे है, वो है लड़की है, लड़की के साथ ऐसा नहीं हो सकता, लड़की है, लड़की को आप डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, लड़की है, लड़की, मैं लड़की हूँ, आप लड़की के चीजों को नहीं हाथ दे सकते, लड़की है तो लड़की के कपड़ा आप टच नहीं कर सकते। तो लड़की 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 लड़की, ऐसा लग रहा है कि लड़की होना जैसे कोई पाप है। भाई मैं तो हर जन्म में लड़की बन के ही पैदा होना चाहती हूँ। आप में से जो भी गर्ल है या लड़की हो, आप लोगों में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, जरूर कमेंट करके बताना क्या आपको लगता है लड़की होना पाप है, या आप भी हर जन्म पे लड़की होना चाहते हो। मैं तो भाई मैं पूरा दम में चाहती हूँ कि हर जन्म में मैं लड़की ही बनूं, मुझे लड़का बिल्कुल नहीं बनना। लेकिन चाहत पांडे का जो ये थॉट है, ये लोगों को काफी ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं। चाहत पांडे का अभी 3 वीक हो चुका है शो के अंदर। देखिये, हर सीजन पे ना मुझे एक डर लगता है, कुछ लोग आएंगे शो के अंदर जो लोग एक टॉपिक बना लेते हैं। एक होता है गर्ल कार्ड, लड़की हूँ लड़की हूँ लड़की हूँ। दूसरा होता है कि वही डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते। तीसरा गाली वाला कार्ड, और फोर्थ होता है फादर मदर अगर कोई कर देता है। तो ये इस कैटेगरी का लोग हर साल आता है, और बिग बॉस मैं आज से नहीं बहुत सालों से देख रही हूँ, और मुझे कुछ लोगों से बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है जो ये लड़की वोट को गाली बना देते हैं। और वही चीज चाहत पांडे इस सीजन पे मेरे अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और मेरे अकॉर्डिंग नहीं, अभी तो लोग भी पक गए हैं। मैंने पहले भी कहा था, जब चाहत पांडे आई थी मुझे लगा था कि ये रोएगी धोएगी नौटंकी करेगी। उसके बाद मुझे लगा था जब वो राशन वाला टास्क हुआ, जो जब खाना बनाने गई थी, आई थॉट कि नहीं वो रियल है, ठीक कर रही है। लेकिन फिर से उसका जो रोना धोना स्टार्ट हुआ है काफी ज्यादा इरिटेटिंग है, और काफी ज्यादा इन लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। जैसे अगर आज का ही बात बोलूं, विवियन का, मतलब कल वाला जो एपिसोड हुआ था, विवियन को वो बोल रहा है आप लड़की के बैग को हाथ नहीं लगा सकते, लड़की अपना कपड़ा लेकर यू नो सोफा में फेंक दे रही है, इधर उधर रख दे रही है, अनहाइजीनिक वे में इधर उधर फैला रखी है, लड़की कुछ भी करे लड़का उनका वार्डरोब को टच भी नहीं कर सकता। भाई मैं तो लड़की हूं, मतलब ये कहां से आ गया। 3 हफ्ता हो चुका है, लोगों का बात यह है कि चाहत पांडे के 3 ही वर्ड सुनाई दिया गया है, मैं लड़की हूं, मैं गांव से हूं, सब मुझे डिसरेस्पेक्ट करते हैं, किसी के साथ भी, रजत दलाल के साथ ही देख लो, रजत दलाल के साथ झगड़ा हुआ, आप मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे, उसका स्टार्ट हो गया, पाव दिखाया, और बहुत ही फन वे में वो चीज हुआ था। ठीक है, आपको अगर पसंद नहीं आता तभी के तभी बोलो, फिर से स्टार्ट हो गया, डिसरेस्पेक्ट है। उसके बाद हर चीज पे, और लास्ट एपिसोड का बात करूं, अविनाश उतना बुरा नहीं था, मुझे तो बहुत हंसी आता अविनाश ने जो किया, क्या मैं लड़का हूं, मतलब उसको ही मिमिक करते हुए उसने कहा मैं लड़का हूं, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ, ये जो चीज कर रहा था अविनाश बहुत ही फन वे में कर रहा था। और भाई बिग बॉस का शो है, लोग थोड़ी ना रोने आया है सोने आया है, कुछ तो एंटरटेनमेंट करेगा ना लोग, मतलब बाहर के लोग थोड़े एंजॉय कर सके, हम भी देखे भाई क्या मजा आ रहा है, भाई मस्ती आ रहा है, चलो कुछ तो करे।
मतलब रोना धोना ये सब चाहत पांडे को कुछ लोग बोला जा रहे ये सुंदर, एक मिनट, ये सुंदर नहीं होती तो इसका क्या होता। मेरा भी ये दिल में बात है भाई, चाहत पांडे अगर सुंदर नहीं होती तो कौन उसको सपोर्ट करता। आप ये दिल से बात रखकर बोलो, कौन सपोर्ट करता, क्योंकि जो चीज गलत है भाई गलत है। मैं हमेशा बोली हूं, मैं होस्ट हूं, मुझे पता नहीं बाकी चैनल क्या करते हैं, सिर्फ न्यूज देना या गॉसिप करना मेरा काम नहीं है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करती हूँ। और मुझे ये चीज बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा है, जैसे इन लोगों को लग रहा है कि हर बात पे तुम लड़की 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 कितना बार बोलोगे भाई। अगर मैं कभी जिंदगी में बिग बॉस पे जाऊंगी ना, अगर कोई भी मेरे सामने करेगा, सच में मैं उसको थप्पड़ मार दूंगी, लड़की कार्ड खेलने आया तो। मैं सच में बोल रही हूँ, हर बात पे मैं लड़की हूं, मैं औरत हूं, मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, मुझे मार रहा है, पीट रहा है। लड़की होना कोई पाप की बात नहीं है। और चाहत पांडे का रोना धोना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा है, उसका ये गांव वाला कार्ड आप लोग ही बताओ। अविनाश ने कहा था चाहत पांडे का वार, अगर आपके ऊपर कोई पानी फेंक देता 3 बजे तो आप क्या करते। मेरे ऊपर देती, मैं भी बोलती गवार है, जाहिल है, मैं उसको बोल रही हूँ। डेफिनेटली मैं गांव वालों को क्यों बोलूंगी भाई, गांव में इतना लोग है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे सलमान सर ने क्लियरली कहा था और अविनाश ने कहा था, गवार इन द सेंस चाहत पांडे, गवार मतलब चाहत पांडे। उसके बाद उसको भी वो गवार वाला गांव में लेकर चला गया। मैं तो गांव से हूं ना माँ, इसलिए बोल रही थी। तो आई डोंट नो भाई, एक ही बात बोलूंगी, जो लोग भी ऐसे कैरेक्टर को सपोर्ट करते हो, एक चीज सोच कर करो कि आपके स्टेट से ही या आपकी रिलीजन से, इसलिए सपोर्ट मत करो, इसलिए सपोर्ट करो क्योंकि वो बंदा अच्छा कर रहा है कि नहीं, वो चीज को देखकर मुझे लगता है खास करके सपोर्ट करना चाहिए। और इस वक्त शो के अंदर कुछ ही 2-3 लड़की है जो अच्छा कर रही है, एक है श्रुति का, अगर लड़की का बात करें तो, एंड आई डोंट थिंक कोई कर रहा है, करण जो भी है अच्छा कर रहा है, विवियन अच्छा कर रहा है, एंड दैट गाय क्या नाम है उसका, रजत दलाल, वो भी अच्छा कर रहा है। लेकिन ये रोना धोना इतना ज्यादा हो रहा है ना इस सीजन का, मुझे तो भाई समझ नहीं आ रहा है। कौन कौन चाहत पांडे को इस बात पे सपोर्ट कर रहे हो जरूर कमेंट करके बताना, और आपका क्या थॉट प्रोसेस है जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।